नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PBR स्टडी। कैसे हैं आप सभी? इसके पहले आप लोगों को मालूम हो गया होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि TET की जो परीक्षा आपकी हुई थी भाई, उस पर भारी आपत्तियाँ आ रही हैं। आयोग की तरफ से जारी की गई आंसर की पर लोगों की काफ़ी समस्याएँ उभर के आ रही हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। और ये कल शाम तक 800 से अधिक ईमेल आ चुके थे आयोग की ईमेल आईडी पर। यहाँ पर देखते हैं, उत्तर कुंजी अपलोड होते ही अभ्यर्थी ईमेल पर लगातार भेज रहे हैं आपत्ति। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET 2018 में पूछे गए सवाल और उनके जवाब में से अभ्यर्थी सहमत नहीं है। गुरुवार सुबह उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड होते ही आपत्तियों की भरमार हो गई। देर शाम तक करीब 800 से अधिक आपत्तियों ने साक्ष्य सहित आपत्तियाँ भेजी हैं। मतलब कि शाम तक 800 लोगों ने उनकी साक्ष्य और प्रूफ के साथ आपत्तियां भेजी हैं। परीक्षा के करीब 2 दर्जन सवालों के जवाब को सही नहीं माना जा रहा है। शुक्रवार शाम तक आपत्तियों की संख्या 2000 से अधिक होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रदेश के सभी जिलों में 18 नवम्बर को कराई थी। उसकी उत्तर कुंजी 20 नवम्बर को ही वेबसाइट पर अपलोड होनी थी, लेकिन 2 दिन विलंब के बाद गुरुवार सुबह 9 बजे NIC ने उसे अपलोड किया। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं में 150-150 सवाल पूछे गए थे। उनमें से करीब 2 दर्जन प्रश्नों के जवाब से अभ्यर्थी सहमत नहीं है। ये प्रश्न विषय विषय आगे देखिएगा भाई क्या है, ये प्रश्न विषय विशेष से या फिर भाषा आदि के ही नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रश्न पत्र सवाल उठे हैं। मतलब कि पूरे प्रश्न पत्र पर ही सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, को अधिकांश अभ्यर्थी पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल बता रहे हैं। आगे देखिए, आपत्तियों के लिए आज भर का मौका। अगर आपके पास भी आपत्ति है तो आज आप अंतिम दिन है, आज मौका है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि TET की उत्तर कुंजी पर शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही आपत्तियां ईमेल पर स्वीकार होंगी। इसका ना तो कोई समय बढ़ रहा है और ना ही इसके बाद आपत्तियाँ ली जाएंगी। आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों के द्वारा चेक किया जाएगा। और आगे हम आपको बता दें, इन आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों को भेजेंगे। हर आपत्ति पर विभाग गंभीरता से मंथन कराएगा, इसलिए अभ्यर्थी कतई परेशान ना हो। 30 नवंबर को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करेंगे। शिक्षण सूत्र का जवाब सही नहीं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षण सूत्र कौन नहीं है, उसे विकल्प में से उत्तर कुंजी में जिसे सही माना जा रहा है उस पर अभ्यर्थी हैरान है। इस तरह से संप्रेषण कला गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग की, पीने के लिए सुरक्षित पानी, मेरी भाव बाधा, हरों का अलंकार, कौन सा स्वर हास्य नहीं होता, बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता, और आगे देखिएगा नहीं है, जैसे तमाम सवालों के जवाब अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहे हैं। अब तक 2 दर्जन सवाल सामने आ चुके हैं, इनकी संख्या और बढ़ सकती है। हमारी यही राय है कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन पर आपत्ति है तो आप आज शाम तक आयोग की ईमेल आईडी पर अपना आपत्ति को ईमेल कर सकते हैं। किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9793488448। PBR स्टडी सदा आपके साथ। दोस्तों, आप ये जानकारी अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। इस स्टडी से संबंधित न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली आपकी क्लास में और अन्य आपकी पढ़ाई से संबंधित सूचना और खबर के साथ। धन्यवाद।